हेलो फ्रेंड्स, कंचन किचन में आपका स्वागत है। तो आज हम देखिए बनाएंगे खस्ता चना दाल पूरी कचौरी। बहुत ही आसान तरीके से ये आप बच्चों के टिफ़िन में दे सकते हैं, ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं, सफ़र वगैरह में ले जा सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन की घंटी उसे प्रेस करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। एक चम्मच जीरा, एक चम्मच खड़ा धनिया, लाल मिर्च ली हुई है, आप अपने स्वादानुसार ले सकते हैं। इसको दरदरा हम ग्राइंड कर लेते हैं। अब इसमें हम देखिए दरदरा कुटा मसाला हम डाल देंगे। अब देखिए हमने ये चना का दाल भिगोया हुआ था, 2 से 3 घंटे हमने ये भिगोया हुआ था और ये देखिए अच्छी तरीके से ये फूल गया है। अब इसको हम 3 से 4 चम्मच पानी में डाल करके इसे हम ग्राइंड करें। अब इसको जार में डालेंगे और 3 से 4 चम्मच पानी डाल के इसे पीस लेंगे। हाँ, तो देखिए ये हमने पीस लिए हैं और बहुत ही महीन देखिए हमने ये पीसा हुआ है। इस तरीके से आप महीन पीस लीजिए। अब इसमें हम पीसे हुए मसाला दाल को डाल देंगे। स्वादानुसार नमक को डालेंगे, अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे, अजवाइन 1 चम्मच डालेंगे, सूजी 2 चम्मच डालेंगे, हल्दी पाउडर को डालेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा आटा करके गेहूं के आटे हम डालेंगे और इसे इसका डो तैयार करेंगे। इसको अच्छी तरीके से हम आटा को लगा लेंगे। पानी एक्स्ट्रा हम कहीं से नहीं डालेंगे, सिर्फ इसको ऐसे आटा डालते हुए हार्ड डो को तैयार करना है। देखिए डो में तकरीबन जो है इसमें हमने 1.5 कप आटा डाला हुआ है और ये डो देखिए हार्ड हो गया। अब इसमें थोड़ा सा हम ऑयल कलर डालेंगे 1 चम्मच। अब इसमें देखिए 1 चम्मच जो है मस्टर्ड ऑयल डालेंगे और डालने के बाद आटा को अच्छी तरीके से हम लगा लेंगे। तो फ्रेंड देखिए हमने डो को लगा लिया है। अब इसे आटा को 15 मिनट के लिए ढक करके रख देंगे, बाद जो है इसका पूड़ियाँ बनाएंगे। तो फ्रेंड देखिए हमारा ये 15 मिनट्स हो चुका है। अब इस डो को हम जो है लोइया बनाएंगे। तो पहले हम अपने हाथ में जो है आयल को लगाएंगे, जिससे कि हाथ में हमारा ये आटा इसका चिपके ना। तो देखिए इस तरीके से छोटे छोटे नींबू के साइज का आप लोइया बना लीजिए पूरा। तो इस तरीके से हम सारी लोइया देखिए बना लिए हैं। अब थोड़ा सा आयल लगा करके हम जो है पूरियों को बेल लेंगे। आप चाहें तो आटा भी लगा सकते हैं, लेकिन हमने आयल को लगाया है। लगाने के बाद इसे हम बेल लेते हैं। इस तरीके से पूरियां थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए, पतली पूरियां नहीं बेलिएगा, क्योंकि ये पूरियां जो हैं थोड़ी मोटी होनी चाहिए। अब इसको हम डाल करके इसे फ्राई कर लेते हैं पूरियों को। अब इसे तल लेंगे। सभी पूरियां ऐसे बना करके आप जो है मीडियम फ्लेम पर, आप इसे ज़्यादा तेज आंच पर मत बनाइएगा, मीडियम फ्लेम पर इसे आप बनाइएगा। और जब देखिए इसे दोनों साइड से अच्छी तरीके से ये पूरी को खिल जाए, जब अच्छी तरीके से फूल जाए, इसे आप निकाल लीजिए। देखिए इस तरीके से आप सारी पूरियां तल करके आप तैयार कर लीजिए। तो फ्रेंड देखिए हमारी ये सारी पूरियां ऐसे बन करके तैयार हो गई हैं और बहुत ही ईजी और झटपट बनने वाला ये नाश्ता है और बहुत ही क्रिस्पी है। तो चलिए आप बनाइए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।